स्माइल कितना सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है यहाँ से कि मैं आया हूँ कार्तिक स्वामी की ओर है ना, ना इसमें दिखा नहीं होगा आपको कैमरा लगा रखा है। हाँ थोड़ा कार्तिक स्वामी जा रहे हैं ऐसे घूमने में, वीडियो वीडियो बनाता है। ठीक है सर, ये देखिए दोस्तों, ये है कनक चौरी की बुरांस को रोडोडेंड्रियन ऐसे यही बोलूंगा कि यहाँ से अभी आधे घंटे बाद हम स्काई डाइविंग करने वाले हैं। दोस्तों तो हम आए हैं वहाँ नीचे से, वो देख सकते हैं आप वहाँ दोस्तों। तो फाइनली अरे बाप रे, और हम ड्रोन को ऐसे उड़ाते हैं, ड्रोन संगीत भाई ड्रोन उड़ाओ, ज्यादा ऊपर नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं, ये ज्यादा ऊपर उड़ा दिया हमने। तो गाइस अब हम अब तुम्हारे लिए चैलेंज, तुमने हाथ फोड़ना है ठीक है, फोड़ दोगे बिना चले? नहीं नहीं बिना बिना चले क्या बात हुई, फोड़ो, आओ आओ कितनी प्रॉब्लम हो रही है अंधेरे में चलते हुए। Hey guys, welcome back to my another vlog. तो कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, और आशा करता हूँ आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा जो जिसमें मैं पशु केदार मंदिर में गया था। तो दोस्तों आज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आया हूँ कार्तिक स्वामी की ओर, अभी मैं कार्तिक स्वामी पहुँचा नहीं, अभी मैं हूँ ब्राह्मण थाला जो कि पोखरी में पड़ता है, और ब्राह्मण थाला से हमें मोहन खाल होते हुए जाना पड़ेगा कनक चौरी में, और कनक चौरी पहुँचने के बाद हमें 3 किलो का पैदल ट्रैक है तो ऊपर जाएंगे, फिर मतलब काफ़ी थकान है, दूर भी है, तो आगे मिलते हैं आपको, और बने रहे मेरे इस ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। तो दोस्तों आज मेरे साथ पुनः है अनुराग रावत भाई जी हैं, तो हम चलते हैं हमारी धनों पे और आगे बढ़ते हैं, और मिलते हैं आपको सीधे अब कनक चौरी, और बीच का व्यू दिखाएंगे आपको, और यहाँ का व्यू भी थोड़ा आप देख लीजिए कैसा मस्त व्यू है एकदम, खासकर इधर का व्यू। ये जो जगह है इस जगह का नाम मोहन खाल है, और हम जाएंगे सीधे ऊपर वाली रोड पे, स्ट्रेट चलेंगे हम, और जो आपको ये नीचे वाला रास्ता दिखाई दे रहा होगा ये रास्ता जाता है हमारा अगस्त मुनि की तरफ, और यहाँ पे एक छोटा सा चेक पोस्ट टाइप का है। ये रहा डीजी लॉकर, ये लाइसेंस। नमस्ते सर, आपने मुझे शायद पहचाना नहीं, मैं एक दिन आपका एस्टिमेट लेके नहीं आया था, एस्टिमेट नहीं बनाया मैंने आपके नीचे बिल्डिंग के। जी सर, जी सर, है ना ना इसमें दिखा नहीं होगा आपको कैमरा लगा रखा है? हाँ थोड़ा कार्तिक स्वामी जा रहे हैं ऐसे घूमने में, वीडियो वीडियो बनाता है। ठीक है सर, ये देखिए दोस्तों, ये है कनक चौरी। और वो जो आपको गेट दिखाई दे रहा है वो है, ये है कार्तिक स्वामी का रास्ता। अंदर ले जाऊं सीधे, इसी से जाएं आज? ओह यहाँ तो बढ़िया पार्किंग है, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ ऐसी पार्किंग है। नहीं लगा देते ना, गेट से अंदर एंटर हो चुके हैं, और ये हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, और ये अनुराग भाई पीछे पीछे आ रहे हैं। चलो जी चलते हैं, इसके पता क्या है दोस्तों, तो यहाँ रास्ते में देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा रोडोडेंड्रोन के पेड़ हैं, और बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और आपको तो पता होगा नहीं ये हमारा क्या है, राज्य वृक्ष है हमारा, है यहाँ पूरा बुरासी बुरास हो गया यहाँ देखो, लेकिन बेमौसम हो रखे, पता पहले इस टाइम पे नहीं होते थे, मतलब सारे टाइम तो ये था लेकिन अब ये सूखने लग गए, कितना अच्छा लग रहा है। आज आपने ट्रैक में थोड़ी साइंस भी पढ़ ली है, साइंस आज जीते। तो गाइस आज के हमारे ट्रैक में मैंने सीखा है कि बुरास को
रोडोडेंड्रियन ऐसे कुछ कहते हैं, और ये हमारा राज्य पुष्प भी है। और आज मैंने जीके और साइंस दोनों सीखे हैं, तो ऐसे ही जीके सीखने के लिए मेरे साथ बने रहे है कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं आगे। वही तो भी टाइम हो रहा है, लगभग 11:54 लगभग। मतलब एक तरफ से दोपहर हो रही है और गर्मी काफ़ी हो रही है। अभी हम आधे रास्ते पहुंच रहे हैं और ऊपर जाते जाते शायद ज़्यादा हालत ख़राब भी हो सकती है। और आज आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का है, बहुत अच्छा व्यू है। और खैर, आपको तो पता ही है मैं यहाँ लगभग अभी तीसरी या चौथी बार आ रहा हूँ, और मेरे आपने पिछले ब्लॉग भी देखे होंगे, लेकिन मैंने कहा आज भी आ रहा हूँ तो चलो ब्लॉग बना ही देते हैं। छाता भी है दिखाना, पानी पी रहे तुम। तो गाइस, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं मिड में, और इसके जो पीछे है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वहीं पे है हमारा कार्तिकस्वामी मंदिर। और ये आप लोकेशन देख सकते हैं यहाँ की, बहुत ही सुंदर लोकेशन है ये, देखिए काफ़ी प्यारी लोकेशन है। और कभी आप यहाँ से आओ तो कूद मार के ज़रूर देखना, और कैसा लगेगा आपको फिर मेरे को बताना। और समय तो रास्ता ये है, लेकिन हम थोड़ा कुछ पिक वगैरह क्लिक करने के लिए यहाँ से जाएंगे, गिरना मत, आराम से आना। तो ये देख सकते हैं हम मैन वर्सेस वाइल्ड बने आज, और हम अपनी ज़िंदगी खतरे पर बिल्कुल नहीं डालेंगे। और जहाँ बियर गिल भी आने को डरता है, और वैसे भी बियर गिल के तुमने बिहाइंड द सीन तो देखे ही होंगे। गाइस देखिए क्या लोकेशन है, वाव। मैंने पहले भी देखी है पर मैं ये आपको दिखा रहा हूँ ये लोकेशन। अनुक भाई जी, अपना ओपिनियन दीजिए कुछ यहाँ के लिए, क्या बोला जाए, कुछ भी। यही बोलूँगा कि यहाँ से अभी आधे घंटे बाद हम स्काई डाइविंग करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो पे, जाना मत कहीं। तो दोस्तों, स्काई डाइविंग देखने के लिए एक दबाएं, और आपको खुद स्काई डाइविंग करनी है तो मैं आपका पर्सनल ट्रेनर बनूंगा, और आपको धक्का मारने में तो पूरी सहायता करूंगा। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं आगे। फाइनली हम कार्तिकस्वामी के कैंपस में एंटर हो चुके हैं, और यहाँ पे है पुजारी निवास, धुनी दर्शन, भंडार कक्ष वगैरह वगैरह। और यहाँ पे रहने के लिए शायद ये रेस्ट रूम बनाए गए हैं। चलो चलते हैं ऊपर मंदिर, फाइनली वहीं जाके व्लॉग बनाएंगे। दोस्तों, तो हम आए हैं वहाँ नीचे से, वो देख सकते हैं आप, वहाँ से घूमते 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 और यहाँ से होते हुए हम, जब मैंने अभी ब्लॉग शूट किया था वो जगह वो है, और फिर यहाँ से हम पहुँच जाते हैं कुछ कार्तिक स्वामी टेम्पल में। और ये देख सकते हैं आप, ये राम मंदिर, और सुबह में हमें बजरंग बली जी दिख गए। ये देखिए पहुंच गए। फोटो को मंदिर में खींचेंगे। तो गाइस जी, हम ऑन द वे हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ से, कहाँ से दिखेगा ऐसा दृश्य। ऐसा दृश्य देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। देखो वीडियो कितनी HD में बनी है, क्या क्वालिटी आ रही है। गाइस मेरे ख्याल से 53 सीढ़ियाँ हैं, जो कि मैंने पिछली बार गिनी है। अनुराग भाई जी आगे जाएंगे, अभी इनका शूट करेंगे हम। अनुराग भाई जी, कैसा लग रहा है आपको, कृपया वीडियो में देख के बताएं।
चलो मैं तुम्हारा स्लोमो बनाऊं एक, रुको मैं तुम्हारा स्लोमो। दोस्तों तो फाइनली, अरे बाप रे, सॉरी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं कार्तिक स्वामी में। और इस बार मेरे को एक यहाँ नई चीज़ देखने को मिली है, जो कि यहाँ पे बनाया है एक अच्छा मोर। और अंकित बोलना, मैं सॉरी, अनुराग भाई लगे हैं फोटो शूट करने पे, भाई मेरी भी कर दो। और यहाँ भीड़ देख सकते हैं आप, मतलब उतनी नहीं है जैसे कोई स्पेशल इवेंट रहता है यहाँ, तब तो काफ़ी भीड़ रहती है, यहाँ चलने की जगह नहीं मिलती हमको। लेकिन यहाँ की लोकेशन देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर लोकेशन। गाइस जैसे कि आपने देख लिया होगा कि मैंने अभी आपको व्यू दिखाया था बैक कैमरे से, तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया बोलते हैं लोकेशन है आज, और मौसम भी एकदम साफ है और काफ़ी लोग आ रखे हैं यहाँ घूमने। और मैं आप उधर से भेज रहा हूँ, भाई कैसा लग रहा आपको ड्रोन सूट? ड्रोन को उड़ाते हैं ऐसे, और हम ड्रोन को ऐसे उड़ाते हैं। ड्रोन कि भाई ड्रोन उड़ाओ, वो ज्यादा ऊपर नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं, ये ज्यादा ऊपर उड़ा दिया आपने। ओ ड्रोन ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो गाइस तो हम आपको दिखाते हैं मंदिर, ये देखिए। तो अंदर की फोटो लेना मना है, और ये रहा चारों तरफ का व्यू, यहाँ का काफ़ी बढ़िया व्यू है ये देखिए। और यहाँ से आसपास का व्यू कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, काफ़ी बढ़िया सा। ये देखिए एक छोटा सा मंदिर, लोग यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं। सच्चे दिल से प्रार्थना करो, तो मंदिर में पूजा करने के बाद हम नारियल फोड़ेंगे और यहाँ श्रृंगार चढ़ाएंगे। चढ़ाओ भाई श्रृंगार। हाँ यहीं चढ़ा दो, चुन्नी तो घर ले जाओ, घर ले जा सकते हैं मंदिर मंदिर में रखने के, ठीक है। और यहाँ पे शायद नारियल फोड़ेंगे, यहाँ पे फोड़ो नारियल, तुम्हारे लिए चैलेंज, तुमने हाथ से फोड़ना, ठीक है फोड़ दोगे? बिना छिले? नहीं नहीं बिना बिना छिले, क्या बात हुई हो, फोड़ो। लेकिन एक मिनट लेकिन एक मिनट फोड़ दो एक चोट में, अरे वाह एक और, हाँ एक और, वाह 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 वा। छिड़का जाएगा, देखा मैंने बोला था ना फूट जाएगा, छिड़कने क्या। आ चुके हैं कार्तिक स्वामी मंदिर के बैकयार्ड में, बैकयार्ड बोला मैं सॉरी, पीछे की तरफ को। और यहाँ नंगे पैर चलने में हमारी हो रही है हालत खराब, अरे आओ आओ कितनी प्रॉब्लम हो रही है अंगारों में चलते हुए। तो यहाँ तो दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अंगारों में चल रहे हैं एकदम, कि ये पत्थर किसी अंगारे से कम नहीं है, क्योंकि इतना इतने इतना चुभने लगा हूँ मैं
कहीं काटा तो नहीं हूँ। तो गाइज मैं दिखाता हूँ आपको, वो है कार्तिक स्वामी मंदिर और हम इसके पीछे साइड आए हैं। आइए देखिए यहाँ का व्यू, यहाँ भी लोग काफ़ी घूमने आते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बस 20 मीटर की दूरी पे। और आज मौसम कुछ साफ ना होने के कारण क्लियर व्यू नहीं दिख रहा है, फिर भी आप देखिए और बने रहे मेरी वीडियो में। तो गाइस जो सामने पे दिखाई दे रहा है वो हिमालय की चोटियाँ, जो जस्ट बादलों के नीचे से दिखाई दे रहा है, धुंध होने की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और व्यू तो काफ़ी सुंदर है और हम ऐसे मतलब एकदम से ऐसे बैठे हैं जैसे कि कुछ नहीं, सब ख़त्म एकदम से चौंटी पे बैठे हैं। और वहाँ नीचे से हम आए हैं, वो देखो वो नीचे वहाँ पे दुकानें जैसे दिख रही होंगी हल्की हल्की से वाइट कलर की आपको। और चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस तो मंदिर भी पहुँच गए हैं और हम यहाँ पे हमने अपना क्या लंच भी कर दिया है, डेली वाला ये स्प्राइट और दो पूरे। और अभी हमारे घर जाने का टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम भी हो गया यहाँ। और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे पिछले ब्लॉग को भी ज़रूर देखें। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं हम हमारे नए ब्लॉग में। बाय गाइस।